أي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم سامعين، روشن نظر اور گداز دل دوستو، عزیزو، ساتھیو اور میرے روحانی سفر میں شریک قافلے کے لوگوں، الحمدللہ ایک سال سلسلہ عالی عظیمیہ کی ترقی و ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سال اور عطا کیا. میں بھی خوش ہوں، آپ حضرات بھی اس بات سے خوش ہیں کہ ہم نے جس راستے پر قدم بڑھایا تھا، تمام تر مشکلات، پریشانیوں اور ثبوتوں کے باوجود ہمیں ہر ہر قدم پر حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا تعاون حاصل رہا. سلسلے کے ذمہ داروں میں سے اور اراکین سلسلہ میں خواتین و حضرات میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اس بات کا شاہد نہ ہو کہ سلسلہ عالی عظیمیہ کے کسی بھی فرد نے جب بھی کوئی اس مشن کی ترویج اور ترقی کے لیے کوئی ارادہ کیا اور ارادے کو عملی جامے پہنانے کے لیے قدم بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کر دیے. ہمیں کبھی اس بات کا شکوہ نہیں رہا کہ ہم بے سر و سامان ہیں. کبھی ہم نے اس بات کی کمی محسوس نہیں کی کہ فلاں کام اس لیے نہیں ہوا کہ وسائل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اتنے تجربات اور مشاہدات کے بعد سلسلہ عالی عظیمیہ کے افراد اب یہ بات پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ سلسلہ عالی عظیمیہ کے افراد وسائل کے محتاج نہیں ہیں، وسائل سلسلے کے محتاج ہیں. ہمیں کبھی
इस बात का तरद्दुद नहीं हुआ कि हम ये काम करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम ये फला काम करेंगे तो हमें अफरादी कुव्वत कहाँ से मिलेगी। ये हमारा अपना ज़र्फ है कि हमने अपने ज़र्फ के मुताबिक अगर किसी छोटे काम का इंतखाब किया तो अल्लाह ताला ने छोटा काम पूरा करा दिया, और अगर हमने बड़े काम का इंतखाब किया तो अल्लाह ताला ने बड़ा काम करा दिया। जिन लोगों ने अभी इरादा नहीं किया वो जब इरादा करेंगे तो कामयाबी उनके भी कदम चूमेगी। बहरहाल ये बात अजहर मिन शम्स है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, कानून कुदरत के मुताबिक, वह सखर लकुम माफी समावात व माफी अर्द जमीअन मिन्हु। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान के लिए समावात और जमीन और उसके अंदर जो कुछ है सब का सब इंसान के लिए मुसख़्खर कर दिया, इंसान के ताबे कर दिया। जमीन आसमान, आसमानों और जमीन के अंदर जो भी कुछ है सब इंसानों के लिए महकूम है। ये अल्लाह ताला का फरमान एक अरब मुसलमान पढ़ते हैं, एक अरब मुसलमान इसका तस्करा भी करते हैं, लेकिन एक अरब मुसलमानों में सिलसिला अजीमिया के चंद अफराद ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला का यह फरमान सादिक आता है। इसलिए कि सिलसिले आले अजीमिया के अफराद ऐसे बाप की औलाद हैं कि जिस बाप के इशारों पे कायनात हिलती है, जिस बाप के इशारों पे कायनात चलती है, और जिस बाप के इशारों पर अल्लाह ताला भी नजरें जमाए हुए कि मेरा बंदा कहता क्या है ताकि मैं पूरा करूं। ये सूरत हाल एक दो साल से नहीं, दस बारह साल से वाकई हो रही है, और कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो इससे इंकारी हो। उसकी मज़ाहराती शक्ल मकज़ी मुराक बहाल कराची हैदराबाद लाहौर और दूसरी जगह के मुराकबे हाल हैं। लोग कोई ग्रांट लेता है, कोई सूद पर कर्जा लेता है, कोई चंदे मांगता है, उसके बावजूद भी उन्हें वसाइल की अदम दस्तियाबी का शिकवा रहता है। लेकिन अल्लाह का बड़ा इनाम है, बड़ा करम है कि सिलसिले अजीमिया के जिम्मेदारों ने जब भी कुछ चाहा, अल्लाह ताला ने सिलसिले के बाप के तुफैल वो पूरा कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है? ये बात गौरतलब है कि जो वसाइल हाथ बांधे खड़े हुए हैं, वसाइल से मुराद मैं सिर्फ पैसा दौलत सोने नहीं लेता, वसाइल से मुराद अगर हम ये कहते हैं कि जमीन, तो जमीन पर जो कुछ भी मौजूद है वो सब वसाइल में दाखिल है। अगर हम ये कहते हैं कि आसमान समावात,
आसमान और समावाद से मुराद ये है कि समावाद में जो कुछ भी मौजूद है उसका ताल्लुक भी वसाइल से, उसमें फरिश्ते हों, उसमें अल्लाह ताला की गैबी मखलूकात हों, मलाइका अंसरी हों, मलाइका समावी हों, मलाइका आला हों, मुकर्रबीन हों, हामलान अर्श हों, अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, हर चीज इंसान के लिए महकूम कर दी गई है। और जब कोई इंसान अल्लाह के लिए यकीन के साथ कोई कदम बढ़ाता है तो इन सब की ड्यूटी है कि वो इंसान की हुक्म की तामील करें और इंसान की तमाम जरूरियात की हिफाजत करें। ये क्यों ऐसा होता है, सवाल या निशान ये कि ऐसा होता क्यों है, दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं होता। एक आदमी साठ गज का घर नहीं बना सकता, सिलसिला अजीमिया का आदमी दो एकड़ जमीन पे मकान बना लेता, मुराद बाहर कायम कर देता। एक आदमी एक किताब नहीं लिख सकता, सिलसिले का आदमी हिम्मत करता है तो वो 10-20 किताबें लिख देता है और वो मकबूल भी हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, ये एक सवाल या निशान है कि और भी तो अल्लाह की मखलूक है, और भी तो बेशुमार लोग यहां मौजूद हैं। कोई फिजिबिलिटी बनाता है, कोई वसाइल का रोनर होता है। हमारे यहां सूरत हाल ये कि वसाइल हमारे यहां जेर बैसी नहीं, हम तो कहते हैं वसाइल क्या चीज होते हैं, हमें काम करना है, अल्लाह के लिए करना है काम। जब अल्लाह के लिए काम करना है, अगर हम वसाइल के मोहताज हैं तो अल्लाह के लिए हम काम कैसे करेंगे। और अगर वसाइल की तकद्दो में ही हमें पड़ा रहना है, फिर अल्लाह के लिए काम करने की क्या जरूरत है। यानी अल्लाह के लिए काम भी करें और वसाइल के मोहताज भी रहे, ये क्या दोगलापन है। तो आज की नशिस्त में मैं और आप इस बात पर गौर करेंगे कि ऐसा सिलसिला आलिया अजीम के साथ क्यों है, अल्लाह ताला की ये बेपाया इनायत की क्या वजह है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते। जहां तक वसाइल का ताल्लुक है, वसाइल की महकूमियत का ताल्लुक है, वहां आम आदमी भी इससे मुस्तफीद हो रहा है। मसलन अब हवा जिंदगी के लिए इतना बड़ा वसीला है कि हवा के बगैर जिंदगी जेरे बैसी नहीं आती। तो कोई आदमी चाहे या ना चाहे, कोशिश करे या ना कोशिश करे, जिंदगी के लिए हवा की जो जरूरत है वो खुद ब खुद पूरी हो रही है। इंसान की मशीन को चलाने के लिए ऑक्सीजन का ईंधन जरूरी है। कोई आदमी चाहे या ना चाहे, ऑक्सीजन उसे मिलती रहती है। ऑक्सीजन के लिए कोई फैक्ट्रियां मशीनें नहीं बनानी पड़ती। गिजाई जरूरियात के लिए जमीन मौजूद है। अगर जमीन इतनी सख्त कर दी जाए कि वहां पहाड़ के अलावा कुछ नजर ही ना आए, तो आपको एक दाना ही गंदम भी कहीं से दस्तियाब नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन आपकी खिदमत गुजारी के लिए मजबूर है। इसलिए मजबूर है,
कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो बंदे इस जमीन पर रहते हैं वो वसाइल के साथ जिंदा रहें। अलहदो कयास जितना भी आप गौर व फिक्र करेंगे उसमें आपको ये बात नजर आएगी कि इंसान की जिंदगी के लिए बुनियादी जितनी भी जरूरियात है उनको हम वसाइल के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते, सब इंसान के ताबे हैं और सब इंसान को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन इन्हीं इंसानों में लोग रोते भी हैं, लोग शिकवा भी करते हैं, लोग वसाइल की कमी से परेशान भी होते हैं और कभी कोई ये नहीं सोचता कि जो बुनियादी जरूरियात है वो तो कभी कभी नहीं होती। मसलन खाना एक बुनियादी जरूरत है, मसलन लिबास एक बुनियादी जरूरत है, मसलन छत एक बुनियादी जरूरत है इंसान के लिए। उसके लिए कोई आदमी जद्दोजहद करे या ना करे अल्लाह ताला ऐसे वसाइल और असबाब फराहम करते रहते हैं कि ये जरूरतें अज खुद पूरी होती रहती है। साबित हुआ कि आम इंसान के लिए भी वसाइल पाबंद है कि इंसान की खिदमत गुजारी पर मुस्तैद रहे। अब इनमें एक गिरोह ऐसा है कि इसके बावजूद कि तजर्बा यह है कि वसाइल इंसान के पाबंद है वो वसाइल का शिकवा भी करता रहता है और वो भी धोता भी रहता है। अब दो सूरतें हमारे सामने हैं कि एक इंसान की बहुत बड़ी तादाद वो है कि जो वसाइल इस्तेमाल करती है लेकिन कभी इस तरफ गौर नहीं करती कि मेरी जिंदगी में काम आने वाले वसाइल वाफिर मकदार में मुझे हर वक्त हर आन और हर लम्हा दस्तियाब है। लेकिन दूसरे गिरोह इस इंसानों में वो कि बहुत थोड़ा सा है, वो गौर व फिक्र करता है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी मर्जी से पैदा किया, जब तक हमें यहां रखना है उसने हमें जिंदा रखा और जब उसका दिल चाहा उसने हमें यहां से बुला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पैदा होना अल्लाह ताला की मर्जी के तहत हुआ और जिंदा रहने के लिए वसाइल की फराहमी कानून कुदरत के लिए मजबूरी हुई। अगर कानून कुदरत वसाइल फराहम नहीं करेगी तो हर इंसान मर जाएगा और जब इंसान मर जाएगा तो दुनिया की रौनक कायम नहीं रहेगी। तो एक सिलसिला है रूहानियत में, एक कैफियत है, एक मकाम है, एक इस्तिलाह है जिसको इस्तगना का नाम दिया जाता है। इस्तगना से मुराद यह है कि किसी इंसान के अंदर से वसाइल की मोहताजी का तसव्वुर खत्म हो जाए और जब तक किसी इंसान के अंदर से वसाइल की मोहताजी का तसव्वुर खत्म नहीं होता वो वसाइल के घोरक धंधे से आजाद नहीं होता और जब तक कोई आदमी वसाइल की गरिश से आजाद न हो वो अल्लाह ताला की कुर्बत उसे नसीब ही नहीं होती। इसलिए तो वसाइल में फंसे रहेगा। तो इस्तग़ना एक ऐसा मकाम है कि उसमें सालिक को इस बात की प्रैक्टिस कराई जाती कि बार बार उसकी जिंदगी में ऐसे हालात व वाकयात पेश आते रहते हैं कि बिल आखिर वो मजबूर हो जाता है इस बात पर कि वो यकीन करे
कि यहां जो कुछ है सब अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी कुछ नहीं। जब तक मुशाहदात नहीं होंगे, जब तक तजर्बा नहीं होगा, जब तक इंसान बार बार किसी कैफियत से नहीं गुजरेगा, उस वक्त तक उसके यकीन की तकमील नहीं होती। तो सिलसिले आले अजीमिया में वसाइल की मोहताजी का न होना, वसाइल की पाबंदी न होना, हर काम के लिए जो इंसान सिलसिले आले अजीमिया का इंसान अल्लाह के लिए तय कर लेता है, उसमें कामयाब होना, ये दरअसल सिलसिले आलिया अजीमिया के कारकुनान के लिए एक मुसलसल और मुतवातिर तजर्बा और मुशाहिदा है, ताकि उसके अंदर यकीन का पैटर्न पैदा हो जाए। अब कैसे आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई एक आदमी एक डूंगी लेकर एक जमीन पर आके बैठ जाता है, खाने को भी पास पैसे नहीं होते, पांच छह साल में वहां बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। दूसरा आदमी दुबला पतला सूखा हुआ एक जमीन पर जाके बैठ जाता है, वहां जामे अजीमिया कायम हो जाता है। तीसरा आदमी अल्लाह के भरोसे पर एक जमीन पर खड़ा हो जाता है, वहां जनाब अटक का मुराकबा हाल बन जाता है। एक प्रोफेसर टीचर, उसकी बिचारी की क्या हैसियत है दुनिया के एतबार से, वो कहता है कि ऐसा मुराकबा हाल बनाना है, उसके अपने घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, माशी परेशानी उपतला है, लेकिन जब अल्लाह के लिए वो खड़ा हुआ तो मालूम है चुनियोट में एक मुराकबा खड़ा हो गया, बिल्डिंग बन गई। आदमी 50 गज पे घर नहीं बना सकता, एक टीचर ने एक मुराकबा हाल बना के खड़ा कर दिया है। इसी तरह जितने भी हमारे साथी अल्लाह के लिए उठे, जिस जिस तरह उन्होंने कोशिश और जद्दोजहद की, उन्हें कामयाबी होती चली गई। और अगर कहीं कामयाबी नहीं हुई तो आप यकीन करें उनकी कोशिश में नक्स वाकई और उनके अंदर यकीन का पैटर्न अभी मजबूत और मुस्तहकम नहीं हुआ। जिन लोगों के अंदर यकीन का पैटर्न मुस्तहकम और मजबूत हो गया, अल्लाह के कानून के मुताबिक इस मट्टी का एक एक जर्रा उसके हुक्म का पाबंद, दौलत क्या चीज है, सोना क्या चीज है, मिट्टी के जर्रात का नाम ही तो सोना है, किसकी जर्रात का नाम आपने लोहा रख दिया, उन्हीं मिट्टी के जर्रात का नाम आपने तांबा रख दिया, उन्हीं मिट्टी के जर्रात को आप पीतल कहते हैं, वही मिट्टी का जर्रात सोना है। सोने में लोहे में क्या फर्क है, सोना भी मिट्टी है, लोहा भी मिट्टी है। बात यह है कि सोने को एक अहमियत दे दी गई है वसाइल में, वो अहमियत इंसानों की दी हुई है, अल्लाह की दी हुई कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के नजदीक तो वो मट्टी है, मट्टी की जरात ही है। तो ये जो वसाइल की फरावानी है, उसकी बुनियाद ये है कि हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते हैं कि सिलसिले आलिया अजीमिया के हर फर्द को ये तजर्बा और मुशाहिदा करा दिया जाए कि ए अजीमी बंदे, तू वसाइल का मोहताज नहीं, वसाइल तेरे मोहताज है। और जब वसाइल की पाबंदी से जहन आजाद होगा तो जाहिर है वसाइल पैदा करने वाले की तरफ जहन मुतवज्जे हो जाएगा, और जब तक इंसान का जहन वसाइल में गिरा रहेगा, वसाइल उसके ऊपर मुसल्लत रहेंगे, ऐसे करें वैसे करें कैसे करें, तो उसका जहन वसाइल में
गिरफ्तार रहेगा, और जो वसाइल में गिरफ्तार रहेगा तो वसाइल बनाने वाली हस्ती से उसका रब और ताल्लुकात नहीं होगा। मैंने अभी कुलुल्लाह शरीफ की आयत आपके सामने पढ़ी, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान पाक की सूरत पे पहले भी बयान हो चुका है। उर्दू के अंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस्तगना के ज़मन में सूरह इख़लास की को बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह एक है, मखलूक एक नहीं होती। अल्लाह एहतियाज ही नहीं रखता और मखलूक एहतियाज के बगैर मखलूक ही नहीं होती। मखलूक किसी का बेटा होती है या किसी का बाप होता है, मखलूक का खानदान भी होता है। तो आप गौर करें, एहतियाज यानी अल्लाह को एहतियाज ही नहीं होती, मखलूक मोहताज होती है। किसकी मोहताज होती है? यानी मखलूक मोहताज है वसाइल की। ये क्या मोहताजी के बगैर बाप के पैदा नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी मोहताजी है। मखलूक बगैर खानदान के नहीं होती, ये भी एक मोहताजी है। मखलूक एक नहीं होती, ये भी एक मोहताजी है। अल्लाह समद, अल्लाह को किसी किस्म की एहतियाज नहीं होती। हुज़ूर क़न्दर बाबा और रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में अपनी पांच सिफात का बयान किया है, और वो पांच सिफात ऐसी हैं कि जिसमें इंसान चार सिफात में बेबस है, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। मसलन मखलूक यकता नहीं हो सकती, मखलूक लाजिम है किसी की बेटी हो, किसी का बाप हो। मखलूक के लिए भी जरूरी है कि उसका कोई खानदान हो। अब एक अल्लाह की सिफत ऐसी है कि अल्लाह को एहतियाज नहीं होती, यानी अल्लाह वसाइल का पाबंद नहीं है, वसाइल अल्लाह के पाबंद है। अब किस तरह वसाइल अल्लाह के पाबंद है? अल्लाह देख लीजिए, अब हवा अल्लाह के हुक्म पर पाबंद है, ऑक्सीजन अल्लाह के हुक्म पर पाबंद। अरे हाजिर कयास, आप अपनी अंदर की मशीनरी आप देख लें, अंदर की सारी मशीनरी एनर्जी की पाबंद है, एनर्जी अल्लाह की पाबंद है। तो अब एक एजेंसी ऐसी है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी पर तफक्कुर करे, वो ये है कि इंसान भी ऐसा आजाद है और इंसान अल्लाह की ऐसी तखलीक है कि अगर वो चाहे तो वसाइल के एहतियाज से मुंह मोड़ कर सिर्फ एक हस्ती के ऊपर अपना जहन लगा सकती। जिस तरह अल्लाह वसाइल का मोहताज नहीं है, इसी तरह इंसान तमाम वसाइल की एहतियात से अपना जहन हटाकर सिर्फ अल्लाह के साथ वाबस्तगी कायम कर, और अल्लाह के साथ जहनी वाबस्तगी कायम करने के लिए तजर्बा भी जरूरी है, मुशाहिदा भी जरूरी है। और ये तजर्बा और मुशाहिदा एक दफे नहीं, बार बार होना जरूरी है। एक काम आपका हो गया, आपने कहा यार इस बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ, मेरा ये काम हो गया। दूसरे काम जिसके होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी आपको, वो भी हो गया। यार अजीब इत्तेफाक है, दूसरी दफे भी ये काम हो गया।
इसी इत्तफाकात में आपकी जिंदगी में 10, 20, 50, 100 काम हो गए। तो जाहिर है आप ये कहेंगे ये कैसा इत्तफाक है, हर वो काम जिसके बारे में मेरे जहन में ये बात आती ये काम नहीं हो सकता वो हो जाता है। तो लामहाला इस तजुर्बे की बुनियाद पर आपका जहन इस तरफ जाएगा कि भाई अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। तो सिलसिले आलिया अजीमिया में ये जो कामयाबियां हैं, दुनियावी कामयाबियां, दीनी कामयाबियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हम लोगों के अंदर इश्क, अल्लाह ताला से कुर्बत, ये सब इस बात की दलील है कि सिलसिले आलिया अजीमिया के इमाम अजीमी बहन भाइयों के अंदर इस्तगना पैदा करना चाहते। अब जितना तजर्बे से आप फायदा उठाएं, जितना उस तजर्बात और मुशाहदात के बारे में अपना जहन इस्तेमाल करेंगे उसी मुनासबत से आपके अंदर इस्तगना पैदा होता चला जाएगा। और जब किसी इंसान के अंदर इस्तगना पैदा हो जाता है तो उसका जहन वसाइल से हट जाता है और उसकी जो जिंदगी सही जिंदगी, मासूम जिंदगी, लाशोरी जिंदगी, उसके ऊपर गालिब आ जाती और शोरी जिंदगी मखलूब हो जाती। हर आदमी जो यहां बैठा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे के जहन में न वसाइल है, न कोई अपनी जाती ख्वाहिश है, न कोई च्वाइस है, न कोई उसके अंदर अपनी आना है, न कोई उसके अंदर अपनी सोच है, और तमाम वसाइल उस बच्चे को फराहम है। आप सब सामने हैं, आप सभी जितने भी लोग हैं सब बचपन से निकल के जवानी में आए, जवानी से निकल कर बुढ़ापे में जा रहे हैं। तो इसके मतलब है कि हमारी जिंदगी की जहां इब्तदा हुई वहां वसाइल जेरे बहस ही नहीं आते। शऊर के किसी हिस्से में वसाइल की मोहताजी नहीं है, लेकिन जरूरियात जिंदगी पूरी तरह फराहम है। आप कहते हैं साहब वालदैन ने जरूरियात जिंदगी फराहम की, बहुत अच्छी बात है, वालदैन ने जरूरियात जिंदगी फराहम की। हम ये कहते हैं कि वालदैन के दिल में अल्लाह बच्चों की मोहब्बत न डाले। अब देखिए एक माँ है उसके दो बच्चे हैं, दूसरी माँ है उसके भी दो बच्चे हैं, क्या हर माँ हर बच्चे से यकसा मोहब्बत कर सकती है? मेरा अपना तजुर्बा यह है कि आप अपने बच्चे को गोद में अगर 1 घंटे तक बिठा सकते हैं, 1 घंटे तक उसे, 1 घंटे तक उसे गोद में लेकर टहला सकते हैं, दूसरी मां के बच्चे को आप इतनी देर तक नहीं ले सकते। जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए पूरी पूरी रात अपनी नींद खराब कर सकते हैं, मोहल्ले के बच्चे के लिए नहीं कर सकते। ये एक ऐसा हकीकत है जिसे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को मखसूस कर दिया है वालदैन के लिए। वो मखसूस किस बुनियाद पर हुआ कि वालदैन के दिल में अल्लाह ताला ने उन बच्चों की मोहब्बत डाल दी जो उस के पेड़ से पैदा हुए। सब बच्चों से हर आदमी मोहब्बत करता है, लेकिन क्या कोई मां यह दावा कर सकती है कि मैं तमाम बच्चों से यकसा प्यार करती हूं?
हुजूर कंदर बाबा और रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक वाक्य सुनाया कि एक बादशाह लाबलद था, उसकी औलाद नहीं होती थी। तो तय ये हुआ कि भाई कोई बच्चा लेके पाल लिया जाए, परवरिश कर लिया जाए। इंतखाब हुआ एक जमादारनी का कि भाई ये हर घर में जाती, ये हर घर में जा सकती है, इससे कहा जाए कि ये खूबसूरत से खूबसूरत जो बच्चा हो वो लेके आए बादशाह के लिए। तलाश शुरू हो गई। एक हफ्ता हुआ, दो हफ्ते हुए, महीना हुआ, दो महीने गुजर गए, बच्चा नहीं मिला उसको। तो बादशाह ने बुलाकर उससे कहा कि अगर कल बच्चा यहां नहीं आया तो मैं तुझे सजा दूंगा। वो जनाब अगले दिन बच्चे को लेके गई कि काला कलोटा बच्चा, नाक उसकी बह रही, आंखें भी साफ नहीं है, उसने ले जाके दरबार में खड़ा कर दिया। बादशाह ने उस बच्चे को देखा और देख के कहने लगे, भाई शहर में तुझे यही बच्चा मिला? उसने कहा, साहब इससे खूबसूरत मुझे कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। तो बादशाह ने पूछा, ये है कौन? कहने जी मेरा बेटा है। ये इसमें ये एक बात है, यानी एक ऐसी हकीकत है कि अगर अल्लाह ताला वालदैन के दिल में औलाद की मोहब्बत न डाले तो बच्चे परवरिश नहीं पा सकते। और ऐसे बच्चे वो परवरिश पाते हैं कि वालदैन को पता ही नहीं चलता कि वो कब बड़े हो गए। वसाइल का जहां तक ताल्लुक है, बच्चा वसाइल के इस्तेमाल से, वसाइल के नाम से वाकिफ ही नहीं है। इस तजर्बे से, इस मुशाहदे से यह साबित हुआ कि इंसान की जो बुनियाद है, इंसान की जो बेस है, इंसान की जो इब्तदा है, वो वसाइल की पाबंद नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर लाशूरी हरकत और सकनात कम होती चली जाती है और शौरी हरकत और सकनात बढ़ती चली जाती है। जैसे ही शौरी हरकत और सकनात बढ़ती चली जाती है, जिसको आप बालिग होना कहते हैं, बाशऊर होना कहते हैं, अब वही इंसान जिसकी इब्तदा वसाइल की पाबंदी नहीं है, वसाइल से आजादी, वही इंसान खुद को अपने इरादे से, अपने इख्तियार से, अपने अक्ल से वसाइल का पाबंद समझने लगता है, फिर भी वो पाबंद नहीं है। सूरत हाल यह है कि जो इंसान वसाइल का पाबंद होगा, उसका जहन कभी वसाइल बनाने वाले की तरफ नहीं जाएगा। वसाइल की पाबंदी से आपका जहन हटेगा, तब आप उस तरफ देखेंगे जो वसाइल बनाने वाला है, यानी अल्लाह। तो हमारे सिलसिले में ये जो आपको पैदल पे रात दिन तजर्बात हो रहे हैं, किसी को दम कर दिया वो अच्छा हो गया, किसी को तावीज लिख दिया वो अच्छा हो गया, आप यकीन करें अच्छे वो नहीं होते जिनका अपना यकीन कमजोर। हुजूर कंदर बाबा और रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, मैं कह जी इतना लंबा तावीज़ और ये लिखो और वो लिखो, मैं तो इस इसी से वाकिफ भी नहीं हूँ, मेरी समझ में भी नहीं आता। कहने खाए साहब आप एक लकीर खींच दिया करें, बड़े से बड़ा जो तावीज़ काम करेगा आपकी लकीर काम करेगी। मैंने सोचा भाई लकीर कैसे काम करेगी, तावीज क्या चीज है? एक जहन की हरकत है, एक आपका यकीन है। जब मरीज को आप कोई चीज देते हैं, कोई चीज पढ़ने को बताते हैं, कोई तावीज देते हैं या कोई मशवरा देते हैं, आपके एक जहन की एक हरकत है। अब उस जहन की हरकत के लिए आप एक पुलिस साहब का कागज लिख दें,
एक लकीर निकाल दें, एक नुक्ता लगा दें, बात तो एक ही, मकसद तो जहन की हरकत है। तो इंसान यकीन के अलावा कुछ है भी नहीं है। जितने लोग यहां बैठे हुए वो इस यकीन की बुनियाद पर बैठे हुए कि हम जिंदा हैं। अगर हमारे अंदर से यकीन निकल जाए कि हम जिंदा नहीं है तो यहां जितने बैठे हैं सब मुर्दा। हुजूर कलंदर बाबा रहमतुल्लाह ने मुझसे फरमाया कि कोई आदमी जब तक दिल से ना चाहे वो मर नहीं सकता। जितने आदमी मरते हैं अपने यकीन से मरते हैं और मौत को कबूल करते हैं तो मरते हैं। फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, मलकुल मौत इस अशरफुल मखलूकात का गुलाम है, पाबंद है। अगर मलकुल मौत को ये इख्तियार दे दी जाए कि वो अपनी मर्जी से इंसान की रूह कब्ज़ कर ले तो इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं रहेगा, मलकुल मौत अशरफुल मखलूकात के दायरे में आ जाएगा। जबकि इंसान के अलावा कायनात में कोई भी अशरफ नहीं, अशरफुल मखलूकात नहीं। वो इंसान इस बात को जाने या ना जाने, जितने फरिश्ते हैं वो बड़े फरिश्ते हों, छोटे फरिश्ते हों, इसराफील वाले फरिश्ते हों, मिकाइल फरिश्ते हों, इजराइल फरिश्ते हों, मलकुल मौत हो। मुझे एक वाक्य सुनाया कि हजरत बहाउद्दीन ज़िकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे। एक बुजुर्ग दरवाजे पर आया, उन्होंने दस्तक दी, बाहर बेटा बड़ा बेटा किया तो वहाँ एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई अपने अब्बा को ये खत दे देना हमारा। तो उन्होंने कहा साहब अंदर आइएगा नहीं, बस हम यहाँ खड़े हैं, बता दीजिए कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बेटे ने बाप को खत दे दिया, उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ये फरमाया कि भाई उनसे कहना कि आधे घंटे के बाद आप तशरीफ लाए। बेटे ने जाके कह दिया कि अब्बा कह रहे हैं आधे घंटे के बाद आना, वो चले गए। बहाउद्दीन ज़िकरिया मुल्तानी ने जो जरूरी काम करने थे वो किए और इंतकाल हो गया, मर गए। तजहीज़ व तकफीन के बाद, तदफीन के बाद ख्याल आया बेटे को कि एक बुजुर्ग आए थे वो कौन, और उनको अब्बा ने कहा था आधे घंटे के बाद आना, वो तो आए नहीं, खत भी दिया था उन्होंने। अब वो खत की तलाश हुई तो वो मिल गया बिस्तरे में से, तकिए के नीचे था वो खत। उसमें लिखा था कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, बड़ी सरकार से आपका बुलावा है, बताइए मेरे लिए क्या होगा। मैं नीचे लिखा था इज़राइल मलकुल मौत। वो जनाब उन्होंने कहा आधे घंटे के बाद आइए, मलकुल मौत है आधे घंटे के बाद। उन्हें ले गए, क्यों? इसलिए कि बहाउद्दीन ज़िकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अशरफुल मखलूकात होने के इल्म से वाकिफ थे। लेकिन उन्होंने गौस अली शाह साहब ने एक वाक्य लिखा था उसके रगौसिया में के कलियर शरीफ में एक साहब थे फकीर, उनका नाम था काफर शाह। एक दिन वो इन्हें नहर के किनारे ले गए, वहां बातें बातें करते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई बात ये है, हमारा तो बुलावा आ गया है, हम तो अब जा रहे हैं और तुम कोई परेशान नहीं होना। वो जनाब लेट गए और लेट के बाद उनका देखो भाई अब मेरे पैरों की जान निकल गई, अब मेरी टांगों की जान निकल गई, अब मेरी जान सीने में आ गई, अब मेरी हलक में आ गई, अब मेरी अच्छा भाई खुदा हाफिज, अब मर गए। तो ये बड़े हैरान हुए कि ये भी कोई मरने का तरीका है। थोड़ी देर के बाद सूरज गुरूब हो गया, शाम हो गई,
अब इन्हें ये ख्याल आया कि रात भर जंगल में लाश पड़ी रहेगी, पता नहीं इसमें कोई भूत घुस जाए, कोई जानवर खा जाए इस लाश को, बेचारे बैठे रहे। ईशा की नमाज भी गई, मगरिब की नमाज भी गई, सुबह की अजान के वक्त इन्होंने कहा कि भाई मैंने तेरे साथ क्या ज्यादती की थी, क्या मैंने तेरी साथ बुराई की थी जो तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, सारी रात मुझे यहाँ तूने बिठाए रखा, मेरी नमाज भी गई, मैं कहीं उठ के जा भी नहीं सकता। अभी वो ये सोच ही रहे थे और उससे शिकवा कर रहे थे, वो जो काफिर शाह थे वो उठ के बैठ गए। जब वो उठ के बैठ गए तो गौस अली शाह साहब लिखते कि मुझे ये गुमान गुजरा कि इसके अंदर कोई बदरू हुलूल कर गई और ये कहीं मेरे ऊपर हम बदरू नहीं, बात सुन, अच्छा तू जरा थोड़ी दूर खड़ा हो जा, वहां खड़े हो गए बात सुन। शरद जी की हिम्मत करके खड़े हो गए, लाठी मजबूत पकड़ के हाथ, कहने के भाई देखो बात ये कोई बदरू बदरू नहीं है, अभी यार तो शिकवा कर रहा था कि कहाँ मर गया क्या हो गया, मैं भाई तू अपना नमाज रोजा करिए, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तो इसे गौस अली शाह को बड़ी हैरत हुई कि भाई ये कैसा मरना हुआ, कहने ये बाद में बताएंगे, तू जो अपना अपना वुजू कर ले, जो कुछ करना मुँह हाथ धो ले, फारिग फराकत से हो जा, फिर मैं आ जा, फिर बात करते। ये खैर अपना गए जाके जल्दी जल्दी घबराहट में वुजू वगैरह करके आए, आके फिर बैठ गए। कहने के भाई ये बताओ कि तुम वाकई मर गए थे, अगर मर गए थे तो जिंदा कैसे हो गए। तो कहने के जिंदा कैसे हो गए, अब जैसे मैं अभी 12 घंटे पहले मर गया था, अब मैं फिर मरे जाता हूँ, फिर लेट गए। और फिर कहने लगे भाई अब मेरे पैरों से निकल गई, अब टांगों से निकल गई। तो इन्होंने बड़े हाथ जोड़ के मिन्नत समाजत की, ए भाई काफर शाह तुझे वास्ता खुदा के, यार तू शहर में जाके मर, अब फिर मुझे मुसीबत पड़ेगी, मैं तुझे कहाँ से निलाऊंगा, कहाँ से तुझे कफन दूंगा, आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया, मेरे कौन सी वक्त की दुश्मनी निकालना है भाई। कहने लगे भाई हुक्म ही है कि यहां मरना है तो अब क्या करें। अच्छा कहने लगे भाई ये तो बता कि भाई वहां क्या होता है। कहने लगे भाई वहां क्या होता है ये तो बताने की इजाजत है नहीं, लेकिन हमारी साथ बहुत अच्छी हुई और ये है कि अब तू फिक्र कुछ ना कर, बहरहाल जगह तो हमारी यही मुतय्यन हो गई है, अभी ये बंदे आएंगे तो 15-20 मिनट में, तू ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनके पास फावड़ा भी होगा, उनके पास बेलचा भी होगा, वो अपना कब्र खोद के दबा देंगे। और कफन वफन का क्या है यार, वो एक चादर तू अपनी डाल देना, एक उनसे ले लेना, लपेट लपाट के कब्र में डाल देना, क्या है चादर खाम का नया कपड़ा खराब करना, कीड़े ही खाएंगे उसको, किसी बंदा की बंदी के काम आएगा। खैसा वो फिर मर गए। तो उन्होंने ये पूछा मरने से पहले कि अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सा वतन है। वो कहने के भाई इसके क्या पूछने की जरूरत है, कहाँ से आए क्या वतन है। लोगों ने कुछ ऐसी बातें हमसे देखी होंगी, हमें काफिर शाह कहने शुरू कर दिया तो हमने अपना नाम ही काफिर शाह रख लिया। और ये कि हम इतना बताते हैं कि हम एक शहजादे थे और हमने अपनी वो सारी सल्तनत छोड़ के रास्ता इख्तियार कर लिया और यहाँ साबिर साहब के पास आ पड़े और यहाँ हमें जो कुछ अल्लाह ने देना था सब कुछ मिल गया। अब देखिए ये भी एक मौत है। खैर वो बंदे आए और आके उन्होंने जिस तरह उन्होंने कहा था उनको निलाया दुलाया और उनकी खबर बना दी। तो अब ये देखिए, अब ये अशरफ मखलूकात होने की यकीनी शहादत है कि मौत भी अपनी इख्तियारी है, मलकुल मौत भी मजबूर है कि पूछ कर रूह कब्ज करे। अगर
ملک الموت اپنے اختیار سے آپ کو گھسیٹ کر لے جائے. تو حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق پھر آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس شرف پر پیدا کیا ہے آپ نے نہ اس شرف کو کبھی تلاش کیا, آپ نے نہ اس شرف کی کبھی اہمیت دی. آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شرف کو اہمیت نہیں دی, اس کو تلاش نہیں کیا, تو آپ اشرف المخلوقات کے دائرے سے نکل گئے. لیکن پھر بھی قانون قدرت یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے, وسائل آپ سے روگردانی نہیں کرتے. لاکھوں کروڑوں سال کی دنیا کی تاریخ میں ایک مثال آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ سورج نے کبھی آپ کو دھوپ دینے سے منع کر دیا ہو. تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ چاند نے اپنی چاندنی بچھانے کے لیے آپ سے انحراف کیا ہو. تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ہوا نے انکار کر دیا ہو کہ میں انسان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی. سارے وسائل آپ کے محتاج. اب جب آپ خود ہی وسائل کو اپنے اوپر مسلط کر لیں, خود ہی اپنی نفی کر دیں, خود ہی اپنے لاشعور کو رد کر کے شعور کو اپنے اوپر غالب کر لے, تو یہ حرما نصیبی آپ کی خود اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وسائل کے ہیڈ ہیں, صدر صدور ہیں, نظامت کے بڑے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عظیمی سلسلے کا ہر فرد اس بات سے واقف ہو جائے, عظیمی سلسلے کے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بطور شہادت محفوظ ہو جائے کہ عظیمی بندہ کبھی وسائل کا محتاج نہیں ہوتا, اگر محتاج ہوتا ہے تو صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے. یہی ہماری پریکٹس ہے, یہی ہمارے اسباق ہیں, اور یہی ہماری زندگی کا وہ روشن رخ ہے جو آپ کو دوسری کسی جگہ نہیں ملتا. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں, والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا, وہ چاہتے ہیں کہ عظیمی بندہ اتنا راسخ ہو علم میں کہ وہ علم اس کا مشاہدہ بن جائے, اور وہ ہر آن اور ہر لمحہ باطنی اور ظاہری آنکھوں سے یہ دیکھتا رہے, کل من عند ربنا, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, ہر چیز کا حصول, ہر چیز کا نزول, ہر چیز کا صعود اللہ کی طرف, اور اس کے سامنے ان للہ و انا الیہ راجعون کی عملی تفسیر آتی رہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے, ہر چیز اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے لیے ضروری تھا, کیونکہ روحانی علم مشاہداتی علم ہے, روحانی علم یقین ہے, مشاہدے کے بغیر یقین نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی منظوری سے امام سلسلہ عظیمیہ نے اس سلسلے کی بنیاد یقین کے اوپر رکھی, علم کے اوپر رکھی. لوگ کہتے ہیں صاحب سلسلہ عظیمیہ میں علم بہت ہے, سلسلہ عظیمیہ میں علم اس لیے ہے, علم سارے سلسلوں میں ہے, لیکن پھر وہ جو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا جو رخ ہمارے سامنے علمی آتا ہے,
वो इसलिए आता है कि सिलसिले आलिया अजीमिया का जो इमाम है उसकी हैसियत अल्लाह के इल्म के अलावा और अल्लाह की सिफत अलीम के अलावा कुछ है ही नहीं। अब घर में अगर गाना बजाना होता है तो बच्चे गवैये बन जाते हैं, घर में शायरी होती है तो बच्चे शायर बन जाते हैं, घर में नाच गाना होता है तो बच्चे नाच गाना सीख लेते हैं, घर में नात खानी होती है तो बच्चे नाते पढ़ते हैं, घर में कुरान खानी होती है तो बच्चे कुरान खानी करते हैं, घर में माँ बाप नमाजी होते हैं तो बच्चे नमाज की नकल करते हैं, और घर में अलीम और इल्म अगर हो तो सारे बच्चे अलीम और इल्म हो जाएंगे। तो सिलसिले आलिया अजीमिया की बुनियादी जरूरत यह है कि आप इल्म सीखें। इल्म सीखें कौन सा इल्म? मुशाहिदा आती है। मैं जाहिरी इल्म नहीं, जुबानी जमा खर्च वाला नहीं है। यानी जब आप ये कहें कि अल्लाह है तो आपको अल्लाह नजर आना चाहिए। जब आप ये कहें कि अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तो शहादत उस वक्त मोतबर है जब आप उसको देख लें, बगैर देखी तो शहादत भी नहीं है भाई। अब अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आप कहते रहे आंख ने आपके नहीं देखा, मोतबर नहीं है शहादत। हुज़ूर क़ादरी बाबा कहते हैं कि जब अल्लाह ने इंसान को ये नज़र अता की है कि जब वो कलमा शहादत पढ़ता है उसके अंदर की आँख खुल जाती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीदार करता है, तो क्यों ना अपने अंदर वो सिफत पैदा करे कि जब वो अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहे तो सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक उसके सामने हो, वो देखे कि ये हुजूर हैं, ये अल्लाह के रसूल। और जब तक किसी इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो उसकी शहादत मोतबर नहीं है। अभी ये क्विज प्रोग्राम माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा किया, मुझे पसंद आया। उसमें इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन आप सुन चुके हैं। इल्मुल यकीन की बुनियाद पर कोई आदमी मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन जब तक हक़ुल यकीन उसके अंदर नहीं होगा वो मोमिन नहीं हो सकता, ईमान उसके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। दिल में ईमान दाखिल उस वक्त होता है जब आपके अंदर मुशाहिदाती नजर काम करने लगे। अगर आपके अंदर मुशाहिदाती नजर काम नहीं करेगी तो आप ठीक है, आपको इल्मुल यकीन है। खुद अल्लाह फरमाया कुल वसलम वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन अभी इनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। ईमान यानी यकीन दाखिल नहीं हुआ, यकीन यानी मुशाहिदाती नजर जो हमने अपनी रहमत खास से इनको अता कर दिए है वो इनको हासिल नहीं हुई। क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार कर सकता है कि उसने अल्लाह को नहीं देखा? आप जरा पीछे चले जाइए आलम अरवा की तरफ, अल्लाह कुन कहा कायनात बन गई, कायनात को कुछ पता नहीं वो क्या है, कौन है, कहां से आई, किसने बनाया, क्या मकसद है। यानी कायनात बन गई लेकिन अभी उसके अंदर हवास पैदा नहीं हुए, अभी उसको नजर नहीं मिली, अभी उसके अंदर समाध भी मुंतकिल नहीं हुई, अभी उसके अंदर इदराक भी नहीं आया, अभी उसके अंदर एहसास भी पैदा नहीं हुआ कि अब मैं हूं, मैं क्या हूं, ये भी नहीं हुआ। अब अल्लाह ताला उस रूह के अंदर एहसास पैदा करने के लिए, इदराक पैदा करने के लिए, समाध के लिए, निगाह के लिए कहते हैं अलस्तुम रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। हुज़ूर क़ादर बाबा इसका तर्जुमा फरमा करते हैं क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं?
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے خود کو پیش کر دیا. جب ہماری روح سے اللہ کی آواز ہماری روح نے سنی اور ہماری روح کے کانوں میں اللہ کی آواز گونجی تو سب سے پہلے الست بربکم کہنے سے روح کے اندر سماعت پیدا ہو گئی. جب روح کے اندر سماعت پیدا ہو گئی تو فوراً یہ بات ذہن میں آئی, یہ آواز کدھر سے آئی, کہاں سے آئی. جیسے ہی تجسس پیدا ہوا کہ آواز کہاں سے آئی, روح کی آنکھ نے تلاش کیا کہ آواز کدھر سے آئی, اور جب روح کی آنکھ متحرک ہو گئی تو اس نے یہ دیکھا کہ سامنے اللہ میاں بیٹھے. جیسے ہی روح نے یہ دیکھا کہ اللہ میاں سامنے ہیں تو روح نے برملا اس بات کا اقرار کیا, قالو بلا, کہ جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب. یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو انسان کے اندر سماعت پیدا ہوئی. سماعت کی بنیاد پر کہ آواز کہاں سے آئی, انسان کے اندر تجسس پیدا ہوا. تجسس کی بنیاد پر جب انسان اس آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ہستی نظر آئی. جب انسان نے اس ہستی کو دیکھ لیا تو اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہو گئی, اور اس قوت گویائی سے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا, اور اگر دیکھنے کی چیز یہ آنکھ ہے جس کا آپ ظاہری آنکھ دیکھتے ہیں, یہ تو آدمی مر جاتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں دیکھتا, اس کی نظر آہستہ آہستہ ٹھہرتی ہے. یہ شعوری نظر جو ہے یہ بالکل فکشن ہے, عارضی ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اصل نظر جو ہمیں ملی, جس اصل نظر کی بنیاد پر ہماری یہ نقلی نظر ہمیں منتقل ہوئی, وہ نظر ہے جو اللہ کو دیکھ چکی ہے. پھر اللہ تعالی نے یہ کہا, الستو بربکم, کیا میں تمہارے لیے رزق فراہم کرنے والی واحد ہستی نہیں ہوں؟ انسانوں نے کہا, قالو بلا, ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں وسائل فراہم کرنے والے. ربوبیت کا مطلب ہے وسائل فراہم کرنے والی ذات. اب آپ غور کریں کہ آپ نے سب سے پہلے اگر کسی کی آواز سنی تو وہ اللہ کی آواز سنی. آپ نے سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھا تو وہ اللہ کو دیکھا. آپ کی زبان سب سے پہلے اگر گویا ہوئی تو قالو بلا کہہ کر گویا ہوئی. اور قالو بلا یعنی آپ ہمارے رب ہیں, یعنی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ ہماری کوئی ہستی نہیں ہے, آپ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے, کس طرح پیدا کر دیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اب جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں گے آپ کی ربوبیت کے طفیل ہم زندہ رہیں گے اور ہمیں وسائل فراہم ہوتے رہیں گے. تو انسان اللہ کو دیکھ بھی چکا ہے, انسان اللہ کی آواز بھی سن چکا ہے, انسان اس بات کو اقرار بھی کر چکا ہے کہ وسائل فراہم کرنے والی ہستی صرف اللہ ہے. اب جب وہ یہاں پیدا ہوتا ہے تو بالکل ریورس چلتا, الٹا چلتا ہے. اور وہ کہتا ہے صاحب میں کاروبار نہیں کروں گا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا, میں محنت مزدوری نہیں کروں گا تو بچوں کا کیسے پیٹ پلے گا. ارے بھائی جب تم ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے, تم نے کون سی محنت مزدوری کی تھی؟ وہاں اسی طرح جس طرح پیدا ہونے کے بعد تمہاری نشو نما ہوتی رہی, پیٹ میں بھی نشو نما ہوتی رہی. تو
रूहानियत में इस्तगना को बड़ी अहमियत हासिल है, और इस्तगना की तकमील उस वक्त तक नहीं होती जब तक बार बार उसकी तकरार ना हो, और बार बार इस्तगना की जो सूरत हाल है वो मुशाहिदाती तर्जों में आपके सामने ना आए। हुजूर कलंदर बाबा औली रहमतुल्लाह अलैह का ये फैज़ आम है, और अपनी औलाद के ऊपर उनकी रहमत है कि वह अपनी हर औलाद के अंदर इस्तगना पैदा करना चाहते हैं। और इस्तगना पैदा करना सिर्फ लफ्जी इस्तेमाल से नहीं, बल्कि अजीबी बहन भाइयों को तजर्बात से गुजारना चाहते हैं। एक दफा, दो दफा, दस दफा, बीस दफा, सौ दफा, कितनी मरतबा आप किसी बात को इत्तफाक कह सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने जो वसाइल फराहम किए हैं, ये भी वसाइल हैं। अब देखिए यहाँ जंगल में हम लोग बैठे हुए हैं, रात के दो बजने वाले होंगे, ये भी वसाइल ही हैं। अगर आप सब लोग मेरे लिए वसाइल ही तो बने, अगर आप यहाँ ना बैठते तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना यहाँ बैठ के तकरीर करता, दरख्तों को सुनाता, यहाँ तो दरख्त भी नहीं है। आज की नशिस में बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल अब काफ़ी वक्त गुजर गया है। मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर अगर मुशाहिदाती नज़र नहीं है तो वह हरगिज़ अशरफुल मखलूकात नहीं। इंसान के अंदर अगर यकीन का पैटर्न नहीं है वह हरगिज़ मोमिन नहीं, मुसलमान हो सकता है मोमिन नहीं, अल्लाह के कानून के मुताबिक। और जब यकीन का ही पैटर्न नहीं है तो इंसान अशरफुल मखलूकात भी नहीं। अशरफ मखलूकात उसको कहते हैं कि जिसके अंदर वो समात गूंजती रहे, जिस समात की बुनियाद पर इंसान ने सबसे पहले अल्लाह को देखा था। अशरफ मखलूकात वो इंसान है कि जिस तरह उसने आलम अरवा को में अल्लाह को देखा था, आलम जिस्मानी निजाम में भी अल्लाह को देखे। अल्लाह में खुद फरमाते हैं जहां तुम एक हो वहां मैं दो हूं, जहां तुम दो हो वहां मैं तीसरा हूं। क्या आपको नजर आता है जब मैं एक बैठा हूं तो जब अल्लाह कह रहा है मैं दो हूं तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला कोई गलत बयान नहीं कर रहे? जब अल्लाह ने कह दी जहां तुम एक हो मैं दूसरा हूं तो अल्लाह मौजूद है, लेकिन अल्लाह उस आंख से नजर आएगा जिस आंख से आप अल्लाह को देख चुके हैं, गोशपोश की आंख से नजर नहीं आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हूं। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं रगे जान से ज्यादा करीब हूं, अल्लाह रगे जान से ज्यादा करीब है, आप कहेंगे कि साहब मैं दूर नजर नहीं आता, अल्लाह तो रगे जान से ज्यादा करीब है। तो कोई आदमी आपसे कह सकता है मियाँ तुम अपनी जान से वाकिफ हो? आपके पास क्या जवाब है? क्या कोई इतना बड़ा मजमा यहाँ माशाल्लाह है कोई एक आदमी ये कह सकता है कि अपनी जान से वो वाकिफ है? क्यों भाई, कोई है ऐसा आदमी? जब आप अपनी जान से वाकिफ नहीं तो जान से जो करीब है उससे आप कैसे वाकिफ? जान से मुराद रूह, जान से मुराद आपकी असल। जब आप अपनी रूह से वाकिफ नहीं है तो अल्लाह को आप कैसे देखेंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ये किस कदर नादान है ये लोग। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं और तुम मुझे देखते नहीं हो। कैसी अजीब बात है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं तुम मुझे नहीं देखते। अंदर से क्या मुराद? वही रूह जिस रूह की बुनियाद पर आपका ये जिस्म हरकत कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, किब्र कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, अना के खोल में बंद है।
वही रूह अगर आप उसकी हकीकत को पा लें तो आपके अंदर न किब्र रहेगा, न तकब्बुर रहेगा, ना आना रहेगी। उसकी वजह यह कि आप जब रूह को पा लेंगे तो आपकी वजूद की जो असल है वो आपके सामने आ जाएगी। और जब तक आप इस जिस्मानी निजाम को सब कुछ समझते रहेंगे तो रूह पर्दे में रहेगी। और जिस्मानी निजाम को सब कुछ समझना सिवाय जहालत के, नादानी के, कोई भी बात नहीं। आपकी समझ आती ना हमारी समझ में आती ना आपकी समझ आए। अगर ये जिस्मानी ही जिंदगी सब कुछ है तो ये जिस्म बर्बाद क्यों हो रहा है, मर क्यों रहा है, मिट्टी के जरात में तब्दील क्यों हो रहा है? वो चीज जो मुसलसल घट रही है, वो चीज जो मुसलसल हर रमा हर आन फना हो रही है, उसको आप असल कह रहे हैं। और जिस हस्ती की बुनियाद पर ये जिस्म चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोच रहा है, लिख रहा है, उसकी तरफ कभी इंसान तवज्जो ही नहीं करता। और जब तवज्जो ही नहीं करता तो जाहिर है वो चीज कैसे आपके सामने आएगी? आप रास्ता चलते चले जाइए इसी ख्याल में मगन, यहां से केडीए के दफ्तर तक चले जाइए, आप वापस आ जाइए, मैं आपसे पूछता हूँ रास्ते में कितने खंभे हैं, आप मुझे बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ रास्ते में कितनी झाड़ियां आई, क्या कोई कुत्ता नजर आया आपको? जी हमें तो पता नहीं। क्यों? इसलिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर उस रास्ते पर चलते वक्त आपका जहन, आपका दिमाग, आपका शऊर मुतवज्जे है, तो जिस मुनासबत से आपका शऊर मुतवज्जे है वो चीजें आपके जहन में हाफजे में महफूज रहती है। और आपके जहन में कोई चीज नहीं है तो आप 50 दफा भी उस रास्ते पर चलते रहे तो आप ये नहीं बता सकते कि उस सड़क पे आपने क्या देखा। ये आपकी मादी जिंदगी की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। जब मादी जिंदगी में बगैर मुतवज्जे हुए, बगैर कोई चीज आपको याद नहीं रहती, कोई चीज आप बयान नहीं कर सकते, कोई चीज आपके हवास में दाखिल नहीं होती, तो रूह की तरफ मुतवज्जे हुए बगैर रूह की तहरीकात आपके सामने किस तरह आएंगी? रूह की तहरीकात सामने आने के लिए सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि आपके अंदर यकीन का पैटर्न मौजूद है। और यकीन के पैटर्न के लिए जरूरी है कि आपके अंदर से वसाइल की मोहताजी निकल जाए। आप वसाइल के बारे में ये तस्वुर और यकीन हो आपके अंदर कि मैं वसाइल के लिए पैदा नहीं हुआ, वसाइल मेरे लिए पैदा किए गए। जैसा कि है, अगर आप वसाइल के लिए पैदा किए जाते तो आपका पैदा होने के बाद दुनिया बनती, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो दुनिया पहले से मौजूद होती। न सिर्फ ये कि जब हम पैदा होते हैं दुनिया मौजूद होती, बल्कि जब हम मरते हैं तब भी दुनिया मौजूद रहती। अल्लाह ताला ने ये जो सारा निजाम बनाया है, इस निजाम की साख इस किस्म की है कि इसमें जो चीज जिस तरफ मुतवज्जे हो जाए या जिस चीज को जिस तरफ मुतवज्जे कर दिया जाए उसकी अहमियत है, और अगर मुतवज्जे ना हुआ जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। इस्तगना, तवक्कुल, कनात, अल्लाह पर भरोसा, ये सब बातें इंसान को इस तरह मुतवज्जे करती हैं कि यहां जो इंसान पैदा हुआ अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, यहां इंसान जब मरता है तो अपनी मर्जी से नहीं मरता, ये बीच की थोड़ी सी जिंदगी जब आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, अपनी मर्जी से जिंदा नहीं रह सकते, तो ये थोड़ी सी जिंदगी पे आपका इख्तियार कहां से आ गया? कोई इख्तियार किसी को नहीं, बजुज इसके कि अल्लाह ने जितना आपको इख्तियार दे दिया है। यानी अगर आप इख्तियार भी इस्तेमाल करते हैं वो भी अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, वो भी आपकी कोई जाती मीरास
ये ذاتی جائیداد, یہ ذاتی حیثیت, یہ ذاتی صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا, آپ اختیار استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا, آپ پیدا ہو گئے. اللہ نے آپ کے لیے وسائل فراہم کر دیے, آپ زندہ ہیں. اللہ نے ان وسائل کو منع کر دیا, آپ مر گئے. یہاں سے مرے, دوسری دنیا میں چلے گئے, وہاں وسائل شروع ہو گئے. جس طرح آپ یہاں کھاتے پیتے, ہنستے بولتے, روتے سوتے جاگتے ہیں, اسی طرح دوسری دنیا میں بھی اسی طرح یہ وسائل موجود ہیں. لیکن فرق ہے, فرق یہ کہ یہ جو دنیا ہے جس کو آپ عالم ناسوت کہتے ہیں, اس دنیا میں آپ اس وقت آئے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کی محتاجی کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکلا منا رغدن استشویتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین, کہ جنت میں رہو, کھاؤ پیو, خوش رہو, لیکن ہم جن احکامات پر آپ کو حکم دے دیں ان کی پابندی کر لو. اگر آپ نے ان احکامات کی پابندی نہیں کی تو پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو. فتکونا من الظالمین, اب اس کا نام آپ درخت رکھ دیں, شجر ممنوعہ رکھ دیں. مقصد یہ ہے کہ حکم کی پابندی, یقین کا پیٹرن یہ ہونے چاہیے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہ ہے. اگر اللہ نے منع کر دیا تو بس منع ہے, اگر اللہ نے ہاں کر دی تو ہاں ہے. وہی ہوا کہ جنت کا جو یقین کا پیٹرن تھا حکم عدولی کی بنیاد پر, اس پیٹرن میں دراڑیں پڑ گئیں اور اس پیٹرن کے اندر شک اور وسوسہ داخل ہو گیا. جیسے یقین کے اندر شک اور وسوسہ داخل ہوا, یقین مغلوب ہو گیا, شک اور وسوسہ غالب ہو گیا. اور جیسے شک اور وسوسہ غالب ہوا, ایک ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو گئی کہ جس میں نہ ٹھہراؤ ہے, جس میں نہ قرار ہے, جس میں نہ استحکام ہے, جس کو نہ قیام ہے. یعنی آدمی پیدا ہو گیا شعوری تو. یہ شعور جس کو آپ کہتے ہیں, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یقین کی تبدیلی اس طرح کہ یقین کمزور ہو جائے, اس کا نام شعور ہے. اب شعوری حواس کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ آسان راستہ کوئی نظر نہیں آتا, جو حضور قلندر بابا نے سلسلہ عالی عظیمہ کے لیے متعین کیا کہ انسان برادری کو عظیمیہ برادری کی معرفت ایسے تجربات کرائے جائیں کہ جن تجربات کی بنیاد پر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ انسان کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ ہے. یہی حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے اوپر رحمت ہے, عنایت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے بزرگ, اپنے باپ, اپنے جد امجد حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر کے مطابق اپنے اندر یقین کا پیٹرن, تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں. جیسے جیسے یقین کا پیٹرن ہمارے اندر اجاگر ہوتا چلا جائے گا, اسی مناسبت سے ہم پہلے جنت کی زندگی میں لوٹ جائیں گے. یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی زندگی میں لوٹ جائیں گے, یعنی ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جائیں. اور جب ہم اس دنیا کی گرفت سے آزاد ہو کر اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے, تو ہمارے اندر یقین کا پیٹرن اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ جتنا مستحکم ہمارے باپ آدم کے اور ہماری ماں حوا کے ذہن میں تھا. اور جب ہم اماں حوا اور باپ آدم کے
सहन को हासिल कर लेंगे और उनके अंदर जो यकीन का पैटर्न था नाफरमानी से पहले हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएगा। तो जिस तरह अम्मा आदम वो अम्मा हव्वा और बाबा आदम अल्लाह को देखते थे, अल्लाह को सुनते थे, अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, उसी सूरत से हम भी अल्लाह को देखेंगे। देख तो हम चुके हैं अल्लाह को, अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह की आवाज़ सुनेंगे, और जब हम अल्लाह को देख लेंगे, अल्लाह की आवाज सुन लेंगे, अल्लाह का जो जहन है उसके मुताबिक हमारे अंदर यकीन का पैटर्न बन जाएगा, सारे अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह का दोस्त जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह से करीब होता है, हर दोस्त दोस्त के करीब होता है। हमारे लिए रास्ता इसलिए आसान है कि हमारे बड़े हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह के ऐसे दोस्त थे कि जहां मशीयत भी अल्लाह के इख्तियार दिए हुए हालात के तहत हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया के तहत हो जाती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि हुज़ूर क़लंदर बाबा अल्लाह बन गए, खुदा बन गए, लेकिन हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने वो इख्तियार अता कर दिए हैं जिन इख्तियार के तहत कायनात बनती है, बिगड़ती है, कायनात हरकत करती है और कायनात में जिंदगी की लहरें दौड़ती है। अब ये हमारा काम है कि हम अपने बाप के वर्से को कितना कबूल करते हैं और कितना रद्द करते हैं। आप हजरात बहुत दूर दराज से तशरीफ लाए और इस मरतबा ये बहुत ही खुशायन बात है। माशाल्लाह अजीम या सिलसिले के अफराद जहाँ जहाँ भी थे सभी तशरीफ ले आए। अब इसकी दो सूरतें हैं, एक तो ये कि अल्लाह ताला ने मेरी खुशी पूरी की, मेरा दिल चाहता है कि आप सब लोगों को मैं देखूं, आप मुझे देखें, मैं आपके करीब आऊँ, आप मेरे करीब आए। तो ये उर्स का एक ऐसा मौका है, ये भी हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तुफैल हम सबको नसीब होता है कि सब बहन भाई एक जगह जमा हो जाते हैं, बहन भाइयों की तरह रहते हैं, बहन भाइयों की तरह खाना साथ खाते हैं और साथ साथ हमें हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उलूम से मुस्तफीज होने की सआदत नसीब होती है। मैं आप सब हजरात का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी खुशी के लिए असबाब और वसाइल फराहम किए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सिलसिले के मामलात में जो कुछ अल्लाह ताला की रहमतें इनायतें बेपाया इनायत आप पर बारिश की तरह बरस रही हैं उनको एक महज रस्मी चीज ना समझें, उसमें गौर और फिक्र करें, ये देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये जो वसाइल की पाबंदी नहीं है और जो कुछ हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के महबूब दोस्त हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया के लिए जब कुछ करना चाहते हैं तो हमें इस तरह अल्लाह ताला की रहमत और इनायत नसीब हो जाती कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारा काम किस तरह हो जाता है। तो इसमें इन नफी ज़ालिक लायात लिउलिल अलबाब अल्लाह की निशानियों में जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उन निशानियों में उन्हें अल्लाह नजर आता है और वो गौर व फिक्र के नतीजे में अल्लाह ताला से करीब हो जाते हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है तो जाहिर है वो उसके ऊपर एक सुकून, एक करार, एक इस्तग़राक, एक सुरूर की कैफियत
مستقل تاری رہتی ہے. ابھی یہاں کل پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے کس سے کہا صبح کچھ کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کیا, وہ کہنے جی کریں گے, یہاں تو سب نشے میں پھر رہے ہیں. میں کہ بھائی اس طرح کہا تھا, کہنے وہ تو کہا تھا یاد رہے تو کریں, یہاں تو سو رہے ہیں سب, سوتے سوتے چل رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک کیفیت ہے, ایک سرور کی کیفیت. یہ بھی ایک اندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کا اعجاز ہے, ان کی کرامت ہے کہ یہاں جو لوگ بھی تشریف لاتے ہیں خوش رہتے ہیں, مسرور رہتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بوتلیں چڑھائی ہوئی ہیں, بغیر مفت کی شراب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس شراب طہورہ سے مزید کیا کہتے ہیں سیراب ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اندر اللہ کی محبت راسخ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر, حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل ہمیں ہمیشہ خوشیاں نصیب ہوں, اور آلام اور پریشانیوں سے, بیماریوں سے, دکھوں سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے ہماری, اور ہمیں محفوظ رکھے. آپ سب حضرات تشریف لائے, بڑی رونق ہوئی, بہت خوشی ہوئی. ہر آدمی باپ بھی ہوتا ہے, ہر آدمی ماں بھی ہوتی ہے, تو جس طرح اپنے بچوں کو دیکھ کر کوئی ماں خوش ہوتی ہے, جس طرح اپنے بچوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے ایک باپ خوش ہوتا ہے, آپ یقین کریں میں بھی ایک باپ کی طرح آپ سب یہاں لوگوں کی موجودگی سے بے انتہا خوش ہوا. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں میری اولاد کو یہ سعادت نصیب کی کہ وہ اپنے باپ کا دیدار کرنے آئے, اور یہاں انہوں نے اخوت کا, محبت کا, بھائی چارے کا, ادب و احترام کا, اثار کا, خلوص کا مظاہرہ کیا. کسی باپ کی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد آپس میں محبت کرے, اس کی اولاد آپس میں خلوص کے ساتھ رہے, اور کسی باپ کی اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد خوشحال ہو, اللہ تعالیٰ طرف سے وسائل فراہم ہوں. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو استحکام عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو شعوری غلبے سے نکال کر لاشعوری دائرے میں منتقل کرے, اس طرح کہ آپ کا شعور اور لاشعور برابر ہو جائے. آپ جس طرح سوتے ہوئے خواب میں اڑتے ہیں فضاؤں میں, جس طرح آپ خواب کی حالت میں آسمانی دنیاؤں میں پرواز کرتے ہیں, مراقبے کی حالت میں آپ روشنیوں کا, نور کا, تجلیات کا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیدار کرتے ہیں, میری دعا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بغیر مراقبے کے, بغیر خواب کے, بیداری کی حالت میں بھی یہ سب کچھ دیکھیں, محسوس کریں, خوش رہیں, اور اللہ تعالیٰ کی یہ قربت کا جو تصور ہے اس کو ساری دنیا میں عام کریں. ہم بحیثیت مسلمان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یہ ہمارے لیے سعادت ہے, لیکن بحیثیت انسان کے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پوری نوع انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہوتے, انبیاء علیہ السلام پوری نوع انسانی کا جوہر ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پوری نوع انسانی کے لیے ہوتی, کوئی نبی کسی گروہ کا نبی نہیں ہوتا, کوئی نبی کسی قبیلے کا نبی نہیں ہوتا,
کوئی نبی کسی ایک مخصوص قوم کا نہیں ہوتا, نبی پوری نو انسانی کے لیے ہدایت کے لیے اس زمین پر اللہ تعالیٰ بھیجتے, نبی پوری نو انسانی کے لیے نجات دہندہ ہوتا ہے. ہمارے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نگیٹو ہے, تمثل ہے, ان کا دوسرا رخ ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوسرا رخ ہے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرز فکر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طرز فکر منتقل ہوئی ہے, چونکہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے باپ ہیں, لہذا انبیاء کی طرز فکر عظیمی بھائیوں کا ورثہ قرار. نہ سعید ہے وہ اولاد جو آپ اپنے باپ کے ورثے کو قبول نہ کرے, بدبخت ہے وہ اولاد جس کے گھر میں خزانے بڑے ہوں باہر بھیک مانگتے تھے. ہمیں اللہ تعالی نے بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے, اللہ تعالی نے ہماری روحوں کو سعید قرار دے کر قلندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کے حضور جھکا دیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ایک ابدال کا ہاتھ ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ابدال کو دیکھا, زیارت کی, اور فلاں بزرگ تو بہت ہی بڑے اللہ والے تھے, بہت ہی بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ابدال سے مسافہ کیا. یعنی مقامات کا تعین ہوتا ہے اس بات پر کسی آدمی نے ایک ابدال کو دیکھ لیا. روحانی مدارج میں ترقی ہوتی اس بنیاد پر کہ کسی اللہ والے نے کسی ابدال سے مسافہ کر لیا. ہم تو بھائی ابدال کی اولاد ہیں, ہمارا تو ورثہ, ہمارا ورثہ روحانیت کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارا ورثہ بحیثیت علیم کے, بحیثیت صفت علیم کے, ہمارا ورثہ علم کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارا ورثہ بحیثیت یقین کے, چونکہ ہمارے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمثل ہیں, تو ہمارا ورثہ یقین کے علاوہ کچھ نہیں. اگر ہمارے اندر شکوک و شبہات آئیں, اگر ہم وسوسوں میں مبتلا ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے باپ کے ورثے سے دور ہیں. اپنے باپ کے ورثے کو جو اولادیں حاصل نہیں کرتی وہ اولادیں ناخلف ہوتی. دعا کریں کہ عظیم یا سلسلے کے جتنے بھی افراد ہیں وہ ناخلف اولادوں کی صف میں شامل ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو